Hey guys, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड आज हम लोग 6 775 का जो मोटर है फ्रेंड उन मोटरों को एक करेंगे और एक करने के बाद देखेंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 3 गियर लगाएंगे और 6 गियर लगाएंगे मोटर के सैप के साथ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट रूम में और उधर पे जाके हमारा टॉपिक पे आएंगे। तो चलो हमारे एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाओ। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हमारे एक्सपेरिमेंट रूम में और अभी देख सकते हो मेरे हाथ में जो मोटर है ये 775 का मोटर है और एक गियर है मेरे हाथ में। फ्रेंड इस गियर को मोटर के सैप के साथ अटैच करना है, एकदम टाइट करके अटैच करना है। ओके, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइकिल की एक लॉक आता है देख सकते हो इस टाइप का, जो ब्रेक में जो पाइप की तरह आता है इस पाइप को हमको लेना है। ओके, एक लेने से हो जाएगा तो आप एक ले लेना। तो मेरे हाथ में तो एक है और ये रॉड के अंदर भी नहीं घुस रहा है सैप के अंदर। ओके, तो हमको थोड़ा सा ड्रिल से इधर अंदर होल भी करना होगा। तो ऊपर भी नहीं घुस रहा है और नीचे भी नहीं घुस रहा है। तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कागज़ से अच्छी तरीके से घिस देंगे। तो मैंने घिस दिया है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड, तो अभी अच्छी तरीके से घुस रहा है और मैं ठोक के इसको घुसा दूंगा अंदर और मोटर भी अच्छी तरीके से अंदर घुस रहा है। ओके, तो पूरी तरीके से जब अंदर घुस जाएगा तब मोटर भी टाइट घुसेगा। ओके, तो हमको क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको अंदर घुसा लेना है। तो देख सकते हो मैंने घुसा लिया है अंदर और काफ़ी सावधानी से घुसाना, नहीं तो मोटर ख़राब हो सकता है। ओके फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने काफ़ी सारा नहीं दिखाया। लगभग इधर पे 6 मोटर है और मेरे पास 3 गियर है फ्रेंड, एक कटिंग मशीन का गियर है। ओके, आपको ग्लेंडर या इधर पे ठीक किया जाता है ड्रिल मशीन, उधर पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो आप एक उधर से परचेस कर लेना, 3 गियर और 6 छोटा वाला गियर। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से होगा और इसको हमको अंदर घुसा के फिर इधर पे वेल्डिंग कर देना पड़ेगा। ओके, तो मैं वेल्डिंग कर लूँगा और मैं इसको बाद में घिस दूँगा अच्छी तरीके से, जिससे कि एकदम नया लगे उस तरीके से। ओके, तो एकदम सफाई से काम करना पड़ेगा। और मैं तो फ्रेंड मैंने लगभग 6 स्टैंड बना लिया है और मैं मोटर के साथ स्क्रू के साथ इसको टाइट कर लूँगा। ओके, स्टैंड के साथ स्क्रू के साथ, तो स्क्रू मैं अभी टाइट कर रहा हूँ अभी, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको घिस दिया है फ्रेंड, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से एकदम फिक्स करना है। ओके फ्रेंड, और मैं एक लकड़ी में 2 बेयरिंग अंदर घुसा दिया है। अभी इधर पे क्या करूँगा, एक मोटर को पहले लगा लूँगा। ओके, तो मैं एक मोटर को लगा लेता हूँ पहले स्टैंड के साथ, पहले स्टैंड लगा लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो उस स्टेप से मैंने इसको लगाया है। तो बाद में इसको मोटर लगा दूँगा, मोटर चला के फिर एक एक गियर मतलब कि गियर को बिठा के फिर नाप नाप के एक एक मोटर करके फिट करूँगा। तो मैं आपको 1-2 फिट करके दिखाता हूँ, उसी तरीके से दूसरा वाला भी हमारा फिट होगा, दूसरा सेट का जो मोटर लगेगा वो भी उधर पे सेट होगा। ओके फ्रेंड, तो मैं लगाता हूँ फटाफट, आप लोग देख सकते हो। इस टाइप से इसको लगाऊंगा। ओके फ्रेंड, तो इसको थोड़ा सा निशान कर देता हूँ मैं, और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जिससे क्या होगा आप लोगों को भी थोड़ा सा परेशानी होगा देखने में, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दिया वीडियो को। तो ऊपर से भी मैंने स्टैंड में कट लगा दिया, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, जिससे कि हमारा मोटर बहुत ही अच्छी तरीके से गियर को खोले भी नहीं, अंदर घुस जाए इसी वजह से। ओके, तो गियर के साथ मैंने बियरिंग भी लकड़ी के साथ अटैच कर दिया है एक तख्ते के साथ, देख सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। और अभी इधर पे थोड़ा सा घुमा के देखेंगे कैसा घूमता है। मैंने 2 खाट टाइप का कर दिया बियरिंग के जगह पर फ्रेंड, इधर का जो बियरिंग मैंने लगाया है वो 6200 का बियरिंग है। ओके, तो मैं फटाफट इधर पे नट लगा देता हूँ फ्रेंड, तो एकदम फिक्स करके ही लगाना नट। ओके, तो मैं कुछ स्टेप से अभी इधर पे लगा रहा हूँ। और मैंने जो लकड़ी लिया है इससे मैं काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया था पहले, तो ये लकड़ी मेरे पास अभी नहीं है इसीलिए उनको खोल के ही मैं इधर पे लगा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा होल इधर उधर किया हुआ है और मैं बाद में इससे कुछ चलाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, तो मैं इधर से काट लेता हूँ
ये थोड़ा बड़ा था, और मैं नीचे से भी एक प्लाई लगा दूंगा बाद में, अभी नहीं लगाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं नीचे से प्लाई लगा दूंगा, साइड से भी प्लाई लगा दूंगा। और अभी क्या इधर पे देख सकते हो रेट यानी कि पॉजिटिव साइड। ओके फ्रेंड, रेट यानी कि पॉजिटिव साइड, और पॉजिटिव साइड में सारा वायर को हमको एक वायर अटैच करना है। ओके, तो सभी मोटर में हम लोग पॉजिटिव जो लैग है उसके साथ अटैच कर देंगे, और जो अभी पॉजिटिव नहीं है उनके साथ भी हम अटैच कर देंगे। फ्रेंड, जहाँ पर रेड निशान नहीं दिया है उस जगह पे हमारा माइनस पॉइंट। ओके, तो माइनस पॉइंट सारा हम जोड़ लेते हैं, सारी मोटर में एक एक करके अटैच कर दूंगा। तो मैं अभी इसको चलाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ताकत है फ्रेंड, ये कुछ भी चला पाएगा। तो मैं बाद में, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना मैं इससे क्या चला के दिखाऊँ आप लोगों को। अभी मैं फ़िलहाल इसको ऑन करूँगा मोटर को, आप लोग देख सकते हो। ओके, काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छा है। ओके, और इधर पे आप कुछ भी लगा सकते हो, एक गियर लगा के कुछ भी चला सकते हो। अभी हम इस बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कितना अच्छा ये परफॉर्मेंस करता है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो कितना बेहतर है, हम लोग देखेंगे कितना ज़्यादा ये घूमता है। ओके फ्रेंड, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, आप लोग देख सकते हो, क्या बताएं आप लोगों को। मेरा टेबल व्हील हिला दे रहा है फ्रेंड, और इधर मेरा जो तीन नंबर मोटर है, मतलब कि सेंटर का जो मोटर है वो थोड़ा ख़राब है फ्रेंड, उसका जो पीछे का जो सेट है वो मतलब कि हिल रहा है, अभी कुछ ख़राबी हो गया मोटर में। ओके, तो मैं बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा, नहीं तो मैं उसको जोड़ दूंगा किस तरीके से। आप लोगों ने देखा हमारा जो सिक्स मोटर है बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, और फ्रेंड आप लोगों का माइंड में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय भारत।